नमस्कार, मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। बहुत ही प्यारा पत्ते वाला डिज़ाइन है ये। 16 के मल्टीपल में फंदे डलेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 34 स्टिचेस लिए आपको समझाने के लिए, इसको ध्यान से देखते रहना। पहला फंदा स्टिच और धागा अपनी तरफ लाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, जाली डालते हुए यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे सीधे आ गए। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, इसको बिना बनाए उठा लेंगे। और जो इससे आगे वाले 2 फंदे हैं उनको हमने 2 का एक करना है बैक लूप से। ध्यान से देखते रहना, बैक लूप से 2 का एक कर लिया। अब जिसको हमने स्लिप किया था उसको हमने ये जो 2 का एक किया इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा आ जाएगा, एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हमने सीधा बनाया और एक फंदा स्लिप कर लिया। जिसको हमने बनाया था और जिसको स्लिप किया था उसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। दो फंदे सीधे बना लिए, इसके बाद फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों को एक करेंगे बैक लूप से। जिसको स्लिप किया था 2 के ऊपर से ऐसे उतारेंगे इसको और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 और 2, फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ये हमारे 16 फंदों का डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद हमने फिर से रिपीट करना है। एस स्टिच के अलावा यहाँ पे ये 16 फंदे हो गए हैं। अब इनको ही हमने रिपीट करना है। ये रॉन्ग साइड आ गई हमारी रो टू में पहला फंदा एस स्टिच, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। रो टू में हमने सारा ऐसे ही बनाना है, 7 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आएंगी सारी सेम आएंगी, इसलिए मैंने रॉन्ग साइड बना के नहीं बताई है, सिर्फ राइट साइड ही बताऊंगी। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना कि इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आएंगी उसमें ऐसा ही आएगा, एक फंदा सीधा 7 फंदे उल्टे। ये आ गई हमारी रो 3। पहला फंदा स्टिच और धागा अपनी तरफ कर लिया। अब ये जो 5 फंदे नज़र आ रहे हैं इनको हमने 5 को सीधा बना लेंगे। जाली डालते 1 2, आराम से करना थोड़ा, 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है। अब ये वाले 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करेंगे और जिसको स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से हमने ऐसे उतारना है। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे बैक लूप से 2 का एक। फिर से स्लिप किए फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे, 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। धागा ये जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा। यहाँ तक हमारे 16 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट फिर से रिपीट करेंगे इसको। और रो 4 हमारी रॉन्ग साइड सेम एज रो 2, और ये आ गई हमारी रो 5। पहला फंदा स्टिच, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2, एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से एक करेंगे। 2 का एक हो जाएगा बैक लूप से। फिर स्लिप किए फंदे को हमने इसके ऊपर से उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर से ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट्स, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे,
सेकंड फंदे को हमने सीधा बना लेना है। बैक लूप से दो काई करेंगे और स्लिप किए हुए को उसके ऊपर से हमने इसे उतार लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। अब इसको हम फिर से स्लिप करेंगे, एक फंदा स्लिप और बैक लूप से दो काई कर देंगे और स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार लेंगे जिसको हमने दो काई किया था। फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा जाली डालते हुए और फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ तक हमारा पैटर्न है एक, ठीक है, 16 फंदों का। रोंग साइड हमारी रो 6 सेम एज रो 2 और रो 7 बताती हूँ अभी। पहला यहाँ ध्यान से देखते रहना, पहला फंदा स्टिच, राइट साइड आ गई है रो 7। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे सीधे, एक और दो, एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों को हमने बैक लूप से दो का एक कर देंगे। स्लिप किए फंदे को जो दो का एक किया था इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे और दो फंदे ये सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। सीधा बना लिया। अब जिसको हमने स्लिप किया था उसको एक सीधा जो बनाया था इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे इसको। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे हम जाली डालते हुए, सॉरी एक स्लिप करेंगे और ये बैक लूप से दो का एक करेंगे। फिर स्लिप के फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन, जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे। रो 8 हमारी आ जाएगी रॉन्ग साइड सेम एज रो 2। अब आ गई हमारी राइट साइड रो 9। पहला फंदा स्टिच, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से। जिसको स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से उतार देंगे जो दो का एक किया था। अब ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक और दो, धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप और दो का एक करेंगे बैक लूप से। स्लिप के फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डल गई। अब ये जो 5 फंदे हैं इनको हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा। यहाँ तक हमारा 16 फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे रिपीट करेंगे, सेम हम यहाँ से इसको रिपीट करेंगे और रो 10 है हमारी सेम एज रो 2 आ जाएगी। रॉन्ग साइड में आपको बना के नहीं बता रही क्योंकि वो सेम है और वीडियो लंबा ना हो जाए। राइट साइड आ गई हमारी रो 11, पहला फंदा स्टिच, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा। अब इसके बाद एक फंदा हम स्लिप करेंगे और हमने बैक लूप से दो का एक कर देना है। अब जिसको स्लिप किया था उसको हमने जो दो का एक किया है उसके ऊपर से उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब हमने
इसके ऊपर से उतारेंगे इसको, जिसको स्लिप किया था उसको, जो सीधा बनाया था उसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, एक और दो। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों को हमने बैक लूप से दो का एक कर लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को हमने इसके ऊपर से उतारना है और दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, एक और दो, और जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा आ जाएगा। ये हमारे 16 फंदों का पैटर्न। उसके बाद आगे रिपीट करना होगा तो सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये टोटल हमारा 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इसके बाद कंटिन्यू करना होगा तो रो 1 से लेकर 12 तक हम फिर से रिपीट करेंगे। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा लगेगा तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये, हर प्रोजेक्ट पे अच्छा लगता है। ये लेडीज़ कार्डिगन के लिए बेस्ट डिज़ाइन है, हर कलर पे बहुत ही परफेक्ट है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।